इमेज क्या आपकी बनेगी? पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी इमेज इस मिरर में बनेगी या नहीं बनेगी, पहले ही बताइए। देखो ये जो लेक्चर्स हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, इट इज टू वे इंटरैक्टिंग, ठीक है। वन वे अगर चलेगा तो ना आपको क्लियरिफिकेशन मिल पाएगा, ना मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप टू वे इसे रखें, थोड़ा सा इसमें आप बीच बीच में थोड़ा सा बोलेंगे तो जल्दी हमें ग्रिप मिल पाएगी इस पे, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए कि ये जो मिरर है, क्या इस मिरर के अंदर आपकी पूरी इमेज बन पाएगी? मेरा क्वेश्चन है, इमेज बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? फर्स्ट क्वेश्चन, बन पाएगी? यस सर, यस सर। क्या आप अपनी पूरी इमेज को देख पाओगे? नहीं, नो सर। नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्या आप मिरर से, मतलब मान लो अगर आप यहाँ पर खड़े हो, उसकी जगह अगर आप यहाँ पे जाके खड़े हो जाओगे, तो क्या आपको आपकी इमेज दिखाई देगी पूरी? नहीं दिखाई देगी। आप चाहे कितना भी दूर जा चले जाओ, आपको अपनी पूरी इमेज नहीं दिखाई देगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज जो समझने की आती है वो ये है कि इमेज तो पूरी बन रही है बट आपको दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? बिकॉज ऑब्जर्वर अगर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर जाके देखने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट को, तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखाई देगी। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है। हमने एक उसका बॉटम व्यू लिया है, एक बॉटम पॉइंट लिया है, टॉप पॉइंट लिया है, और हमने इमेज से रिट्रेस करके और ये हमने अपना फील्ड ऑफ व्यू बना लिया है। ये आपका क्या हो जाता है? फील्ड ऑफ व्यू। अगर ऑब्जर्वर इतने एरिया में देखेगा, इस एरिया के अंदर अगर ऑब्जर्वर होगा तो उस ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई देगी, और अगर नहीं होगा तो उसको इमेज नहीं दिखाई देगी। बोलो, क्लियर है ये बात? यस सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ मिल रही है, लेकिन आप देखो कि अगर मैं उसका एक बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट जब मैं ले रहा हूँ, कि इसके बॉटम पॉइंट पे जब रिफ्लेक्ट होके सरफेस, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब ये ऑब्जेक्ट में से रे निकल के रिफ्लेक्ट होके जा रही है, यहाँ पे पहुंच रही है एक बॉटम पॉइंट से और टॉप पॉइंट से यहाँ पहुंच रही है, तो ये जो पार्ट आपको मिलता है दैट इज योर फील्ड ऑफ व्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वो फील्ड ऑफ व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर आप यहाँ से देखेंगे इस जगह पे खड़े रह के, सो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। आपको इमेज कब दिखाई देगी? जब आप इस पर्टिकुलर एरिया में होंगे तभी आपको ये इमेज दिखाई देगी। बोलो, क्लियर है यहाँ तक ये चीज? सर, अगर हम उधर चले गए तो इधर का इमेज बनेगी? कहाँ? अगर हम उधर फील्ड ऑफ व्यू के पॉइंट में अभी चले गए तो हाँ, हम तो इधर है नहीं ना। अरे ऑब्जेक्ट तो ये है ना। ओके, ऑब्जेक्ट है, मुझे लगा हम खड़े। नहीं, हम नहीं खड़े बेटा, ऑब्जेक्ट है वो सर तो। एक मेरे को डाउट था वैसे, मतलब हाँ थोड़ा सा, मतलब हाँ बोल। फील्ड ऑफ व्यू मतलब बनाने में सर थोड़ा प्रॉब्लम है। फील्ड ऑफ व्यू बनाने में ये होता है, अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी क्वेश्चंस करूंगा तो उसमें आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाना आ जाएगा कि कैसे फील्ड ऑफ व्यू बनती है, ठीक है। ये क्या कि मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके आपको बता रहा हूँ, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बॉटम पॉइंट ले रहा हूँ और टॉप पॉइंट ले रहा हूँ, उसके बाद में उसे लेकर मैं इमेज को पीछे की तरफ रिट्रेस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो मुझे पता है कि इमेज यही बनने वाली है इसकी, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे हमने रिट्रेस किया इसी चीज को, ठीक है। तो ये जो हमने ये रिट्रेस किया है, इसको अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, तो ये जो मिलेगा ये आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। सर मतलब ये जो ये आई वाले जो मतलब अपनी इमेज है हाँ, उसकी जो स्ट्रेट में वो लाइन जाएगी वही रहेगी ना? उसी को हमें आगे, मतलब क्योंकि उतनी पार्ट में तो आएगा ना, क्योंकि इमेज यहाँ बन रही है, यस सर।
तो इमेज वाली जो रे है जो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों की तरफ जाएगी, हमें तो उसी को रिट्रेस करना है। सर ये मतलब ये फिगर में मतलब परफेक्ट नहीं था ना, इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था। हाँ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है? अब क्लियर यस सर। हाँ सर। है? चलो बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट है। अच्छा यहीं पे हमने खत्म किया था। ओके अब नेक्स्ट देखिए। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आपको मैं बताता हूं कि भाई देखो एक चीज हमने यहाँ पे समझी कि जो मिरर की बात हमने की कि एक छोटा सा मिरर है और उस छोटे से मिरर की हेल्प से आप अपने पूरी इमेज को नहीं देख पा रहे। इमेज बन पूरी रही है लेकिन आपको अपनी पूरी इमेज नहीं दिखाई देती है। जब आपको अपनी पूरी इमेज नहीं दिखाई देगी तो हमें तैयार होने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल होता है ना, यस सर। कि दूसरों के घर जाके तैयार होते हो। ये कुछ इस तरीके से ड्रेसिंग टेबल होता है, राइट? अब ये जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ होती होगी कि भाई ये ड्रेसिंग टेबल है, इसमें ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये पूरा जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज मिरर, एक्चुअली ये प्लेन मिरर है, ठीक है? ये पूरा क्या है, ये पूरा एक प्लेन मिरर है। अब हम इसके सामने बड़े आराम से तैयार होते हैं और आपको पता है कि इसकी पूरी इमेज आपको दिखाई देती है, यस और नो? कितने यस सर। लोगों को पता है कि यस ड्रेसिंग टेबल में आपका सुंदर चेहरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कंप्लीटली आपको दिखाई देता है? किस किस को पता है ये बात? ड्रेसिंग टेबल यूज किया है कभी भाई साहब? सर। यस हाँ सर। कि बस वो टू व्हीलर पकड़ा उसी टाइम पे देख लिया चेहरे को उसमें मिरर में और थूक लगा के वो चेहरा साफ कर आप कॉलेज लिया। यही हम कॉलेज जाते ही कहाँ थे। करते थे। वो भी है। और हमें टू व्हीलर नहीं मिलती थी ना, हम तो साइकिल चलाते थे कैंपस में। सर वो तो भी भी टू टू व्हीलर ही व्हीलर ही हुई हुई ना। ना। आता हाँ लेकिन उसे मिरर नहीं आता, है सर नहीं आता भाई। आजकल आता हो तो पता लगवा। नहीं, हमारे टाइम पे तो ले आता था, ठीक है? तो अब देखो क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक चीज समझोगे, ये जो मिरर है अगर इस मिरर को मैं 10 फीट की ऊंचाई पे रख दूं, कितनी हाइट पे? 10 फीट की हाइट पे ले जाके रख दूं तो क्या आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी? अब आप सोचोगे सर हमने तो कभी किया ही सर नहीं, हमें हमें 10 फीट पे कैसे पता? जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको अपनी इमेज नहीं दिखाई देगी जब आप, क्योंकि मिरर को रखने का एक पर्टिकुलर पोजीशन होगा, मिरर की एक पर्टिकुलर लेंथ होनी चाहिए तभी आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई देती है। तो यहां से दो चीजें क्लियर हुई कि वी रिक्वायर मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू व्यू द फुल इमेज एंड वी रिक्वायर द पोजीशन ऑफ द मिरर टू व्यू द फुल इमेज। तो दो चीजें हमें समझनी है, एक कि मिरर की मिनिमम लेंथ क्या हो जिससे कि आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई दे, पहली चीज। दूसरी चीज, मिरर की पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे कि आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई दे। ये दो चीजें हैं जिसे हमें स्टडी करना है और समझना है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? यस तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम पहले, ठीक है? तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि क्या है क्या नहीं? चलो देखो अब नेक्स्ट।
यहाँ पर हमने एक मिरर ले लिया है एंड दिस इज अवर मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हमें इमेज यहाँ मिल रही है ठीक है अब कहा क्या कहा गया है कि ये जो मिरर है उसकी लेंथ एल है द लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ द मिरर एल इज द लेंथ ऑफ द मिरर डी इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड अ सिमिलर वे डी इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर ठीक है दूसरी चीज इस ऑब्जेक्ट से डी डिस्टेंस की दूरी पे कितना डी डिस्टेंस की दूरी पे हमने यहां पर एक पाथ ले लिया दिस इज वन पाथ ओके ये हमने एक पाथ कंसीडर किया है एंड हियर देयर इज एन ऑब्जर्वर यहां पर एक ऑब्जर्वर है ठीक है और ये जो पाथ है चलो ठीक है इतना ही है एल लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ द मिरर D is the distance, ये हो गया this is ठीक है okay. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फील्ड ऑफ व्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो वो कितना क्या मिलेगा आपको यहाँ फील्ड ऑफ व्यू इस ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जर्वर है ठीक है अब आप मुझे बताइए कि क्या ये ऑब्जर्वर जब इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा चलना ठीक है फ्रॉम हियर एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस वे ठीक है सो कोई ना कोई ऐसा पार्ट आएगा जहां पर ये ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा क्लियर है ये चीज राइट तो वो कौन सा पार्ट होगा जहां पर ये ऑब्जर्वर इमेज को देख पा रहा होगा हमें वो पार्ट निकालना है वो पार्ट जिसे हम कह सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज फील्ड ऑफ व्यू में जब ऑब्जर्वर होगा तभी उसे इमेज दिखाई देगी अदरवाइज इमेज नहीं दिखाई देगी तो फील्ड ऑफ व्यू क्या आना चाहिए ये हमें फाइंड करना है तो इसे फाइंड करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट लिया है तो यहां पर हमने इमेज बना ली ठीक क्लियर है यहां तक अब यहां पर जो चीज समझनी है वो ये कि जैसे मैंने बताया एक हम यहाँ पे बॉटम पॉइंट ले सकते हैं टॉप पॉइंट ले सकते हैं जो ऑब्जेक्ट से निकल रहा है रे कुछ इस तरीके से राइट ये रेज निकल रही है और मैंने ये मान लिया कि इमेज यहां बन रही है कुछ इस तरीके से ठीक है जब इमेज यहां बन रही है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे कि इसे हम रिट्रेस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं रिट्रेस मतलब पीछे की तरफ हम इसे इस पाथ को लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा Something like this, right? Yes or no? Hello, समझ में आ रहा है? Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट मिला
ये पूरा का पार्ट, पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया, बिकॉज इतने पूरे पार्ट के अंदर इमेज दिखाई दे रही है। इसका मतलब ऑब्जर्वर जैसे ही चलना शुरू करेगा तुरंत ही उसे इमेज दिखाई दे जाएगी। और ये जो पार्ट हमने कंसीडर किया है इसको मैं ले लेता हूँ एक्स, क्या ले लेते हैं हम इसे एक्स, एक्स पार्ट के अंदर हमें इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा अब इसको एक बार नामकरण करके देखते हैं, तो ये पॉइंट ले लेते हैं ओ, ये पॉइंट ले लिया बी, ये पॉइंट ले लेते हैं पी, और ये पॉइंट ले लेते हैं आर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये ध्यान से देखना, अब ये पॉइंट ए, पॉइंट आई एंड पॉइंट बी, तो क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए आई बी, क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए आई बी, यस और नो, राइट, ये ए आई बी बन गया है ना। अच्छा अब ऐसा का ऐसा ट्रायंगल कहीं और दिखाई दे रहा है क्या आपको बनता हुआ? AOB. PIR. ये देखो ये P, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, बट ये एक ट्रायंगल है, दिस इज P, दिस इज I एंड दिस इज R, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज समझिए, सिमिलर ट्रायंगल में आएगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हमें मिल गई, कि एक एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है ए आई बी और दूसरा पी आई एन आर, ये दोनों कैसे ट्रायंगल हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। बोलो आई बात समझ में, हेलो? हाँ सर। तो ट्रायंगल ए आई बी में अगर yes, तो ये लेंथ एल है तो हम लिख सकते हैं एल, और ये है आपका डिस्टेंस डी, तो हमें इसे लिख सकता हूँ डी। सिमिलरली ट्रायंगल पी आई आर की अगर हम बात करें तो ये पी, ये आई और ये आर, तो ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये कितना है, ये डी और ये डी, तो कितना हो गया थ्री डी हो गया, और ये परपेंडिकुलर कितना है, तो ये एक्स है। तो हमें फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो ये डी से ये डी कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ एल, मतलब फील्ड ऑफ व्यू किसके इक्विवेलेंट आएगा, किसके इक्विवेलेंट आएगा, थ्री टाइम्स ऑफ एल के इक्विवेलेंट आपको फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक ये चीज, यस सर? किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं है, नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे आप आराम से। देखिए क्या पूछा जा रहा है, find out the distance or length for which observer will be able to see the image of an object. Find out the distance or you can say length for which observer will be able to see the image of an object. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि यहां से 1 मीटर की दूरी पर
सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? ये 1 मीटर है और ये मिरर है, ये मिरर भी 1 मीटर लेंथ का है। ये जो मिरर लिया है वो भी 1 मीटर लेंथ का है, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। और इस पाथ पर, मतलब कि ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर और ऑब्जेक्ट से यहां तक का डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। एंड यहां पर ये एक पाथ लिया हुआ है, इस पाथ पे ऑब्जर्वर आ रहा है, यहां पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। और यहां से ऑब्जर्वर चलना शुरू होता है, मतलब चलना शुरू कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, मतलब कि ऑब्जर्वर कब इमेज को देख पाएगा, कितना डिस्टेंस तक इमेज को वो देख पा रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि इमेज भी वहीं 2 मीटर डिस्टेंस पे मिलने वाली है, कुछ इस तरीके से। यहां पर हमें मिल जाएगी इमेज आई, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पे, और ये कुछ इस तरीके से इमेज के लिए हमने पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है। और यहां से ये मैंने ले लिया टॉप पॉइंट के लिए, ठीक है। और इसे भी हम क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। नाउ अब आप देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन रही है लाइन, ठीक है। सिमिलरली ये भी कुछ यहां से अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी यहां तक, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू आपको जो मिला, अगर मैं ये कहूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, दिस वन, ये डिस्टेंस मान लीजिए वाई है और ये डिस्टेंस मान लीजिए कि एक्स है, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा बेटा? फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? वाई माइनस एक्स। एग्जैक्टली। तो फील्ड ऑफ व्यू यहां से ये वाला जो पार्ट है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा वाई माइनस एक्स, जिसे जो हमें फाइंड करना है, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसके नामकरण देखें अगर, तो ये जो पॉइंट है इसे हम ए पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज बी, ये सी पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज डी, इसे सी डैश नाम दे देते हैं, ये डी डैश हो जाएगा, ये बी है तो ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है।
कुछ इस तरीके से हमने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, राइट? यहां तक क्लियर है सभी को? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्लियर हो रहा है? यस। ओके, नाउ यहां पर आप देखिए कि एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल एबीसी। कौन सा ट्रायंगल? ए बी और ये सी। क्या ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है एबीसी? हेलो एवरीवन, ट्रायंगल एबीसी सबको समझ? अगर ट्रायंगल एबीसी हम देख पा रहे हैं तो क्या आप ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश भी देख पा रहे हो? Yes. तो yes. ए बी सी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? भाई ए बी डैश सी डैश, यस सर। ए बी सी, क्या ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? यस यार, ये दिख रहा है आपको, देखो ये ए बी ये सी और ये ए बी डैश और सी डैश, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है, राइट? तो जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। तो हम क्या लिखेंगे? तो वन बाय टू, क्या लिखेंगे? वन बाय टू इज इक्वल्स टू, ये कितना है x, कितना है x अपॉन a से लेके b डैश तक का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कितना आ गया? 3 मीटर आ गया x की वैल्यू, राइट? क्या सिमिलरली हम लोग y भी निकाल सकते हैं? तो देखो yes, यहां पर देख सकते हैं आप कि ये पॉइंट हो गया a, ये b और ये पॉइंट d। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन गया आपका a b एंड d, एक ट्रायंगल ये हो गया, राइट? और दूसरा ट्रायंगल क्या है? ए बी डैश डी डैश, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो रहे हैं? देखो आप, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डैश डी डैश, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस yes, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यहां भी हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर हम उसी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो देखो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज फॉर द ए बी डी। तो ए बी डी, तो डी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? 2, और बी से लेके ए तक कितना है? 2 इज इक्वल्स टू डी डैश से लेके बी डैश, ये कितना है? ये है वाई, और बी डैश से लेके ए तक कितना है? बी डैश से लेके ए तक कितना है? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई। और हमें क्या निकालना है फील्ड ऑफ व्यू फाइंड करने के लिए? y माइनस x क्या निकालना है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फील्ड ऑफ व्यू equals to y minus x, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 मीटर, और x की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। तो फील्ड ऑफ व्यू कितना आ जाएगा? 3 मीटर। बोलो, आई बात समझ में? Yes. तो ऑब्जर्वर के लिए 3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। मतलब उतने डिस्टेंस में
ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पूरी पूरी दिखाई देगी। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट ना? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद सॉल्व करना है, सभी को, एवरीवन विल ट्राई, ठीक है? बिकॉज़ आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, आपको ट्राई करेंगे तभी आएगा ये, ठीक है? मैं चाहे कितने भी क्वेश्चन करवा लूं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर बाद में। चलो देखो, अब सेम क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ चीजें हैं जो मैं बदल रहा हूं। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने ये मिरर लिया है, इस मिरर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है और मिरर को रखा गया है 2 मीटर की हाइट पे। कितने हाइट पे रखा है? 2 मीटर की हाइट पे रखा है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं करवाया ना, चलो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है और यहां पे एक पाथ बनाया हुआ है, इस पाथ पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, यहां पे ऑब्जर्वर है, Here is an observer, ठीक है? Now, object से mirror का जो distance है वो 3 meter है, definitely image भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे ही होगी, राइट? अब यहां से क्या हुआ कि बॉटम पॉइंट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बॉटम पॉइंट पे ले जाऊं मिरर के यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो इसे मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, और अगर टॉप पॉइंट पे ले जाएं तो लाइक दिस, इसे हम इस तरीके से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब उसका फील्ड ऑफ व्यू बनाने की बात आएगी तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ ऐसा बन रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है? समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बेटा आपका y, कितना है y, और ये जो डिस्टेंस है ये है x, तो ये जो बचा कुचा है ये कितना होगा y माइनस x,
ठीक है, आपको ये y माइनस एक्स फाइंड करके बताना है। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना सभी बच्चे। हो गया ही नहीं क्वेश्चन? हाँ हो गया ही नहीं क्वेश्चन सर। क्यों? ऑब्जेक्ट और पाथ के बीच का डिस्टेंस ही नहीं है ना। ऑब्जेक्ट और पाथ के बीच का डिस्टेंस, एक काम कर ले इसको यहीं ले ले। चल ऑब्जेक्ट पे ही। ओके हो गया। एंड आंसर इज 2 मीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहां पर हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, मतलब कि एक प्लेन मिरर रखा है। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री, एंड दिस लेंथ इज 5 मीटर। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर बेटा एक ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पे। अभी जो ऑब्जर्वर है ये मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये फाइंड करना है। अच्छा ये बताइए कि यहां पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वर को उसकी इमेज दिखाई दे रही होगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उसको कितनी देर के लिए इमेज दिखाई देगी? भाई ऑब्जर्वर अगर यहां पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, सपोज ऑब्जर्वर यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, तो क्या इस ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई दे रही होगी? यस और नो? अगर ऑब्जर्वर यहां पहुंच जाएगा तो क्या उसको इमेज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई दे रही है, तो हमें वो टाइम पीरियड निकालना है कि टाइम पीरियड कितना आएगा, मतलब कितने टाइम के लिए ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास में फॉर्मूला है। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस तक इमेज दिखाई दे रही होगी। नहीं बेटा, कितने डिस्टेंस तक उसे इमेज दिखाई देगी? तो कितने डिस्टेंस तक इमेज दिखाई देगी ये समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मिरर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ नहीं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, राइट। अब परपेंडिकुलर ये कहलाएगा कि ये कहलाएगा कौन सा कहलाएगा परपेंडिकुलर? रेड वाला जो है वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से स्टार्ट करके, मतलब कि ये वाला जोन और ये वाला, इस जोन के अंदर हमें इमेज दिखाई दे रही होगी, ऑब्जर्वर को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के लिए इमेज दिखाई दे रही होगी, ये बात क्लियर हो गई। अगर ये 5 मीटर है, ये एंगल 37 है, तो ये कितना आएगा? ये जो डिस्टेंस डी आएगा, ये डिस्टेंस डी कितना आएगा? 25/2।
25/4 सॉरी 25/4 और कोई खुशी सर 6.25 आता है आंसर रुक जा खुशी हाँ सर कितना आएगा डिस्टेंस सर 25/4 निर्मेदा प्रथम हाँ नीर मेहता कितना आंसर आएगा इसका डिस्टेंस का कल्प तो देखो डिस्टेंस कितना आएगा ये आ जाएगा 5 sec 37 राइट ये 5 sec 37 होगा कि 5 cos 37 होगा बोलो sec 37 होगा भाई तो डिस्टेंस आ गया 25/4 और स्पीड कितनी है बेटा कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 2 meter per second से तो टाइम कितना आ जाएगा 25/8 second इज योर टाइम मतलब कि ऑब्जर्वर को इमेज कितनी देर के लिए दिखाई दे रही होगी ऑब्जर्वर को इमेज दिख रही होगी 25/8 second तक के लिए कितना 25/8 second के लिए वो लोग क्लियर है यहाँ तक हेलो यस सर कोई डाउट है यहाँ पे अभी Anyone has any doubt? ठीक है नहीं है बहुत बढ़िया ओके तो ये क्वेश्चन भी हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम अभी तक हमने जो स्टडी किया इट वाज अबाउट फील्ड ऑफ व्यू नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू व्यू कंप्लीट इमेज एंड दूसरा पोजिशन ऑफ द इमेज रिक्वायर्ड टू व्यू फुल इमेज पोजिशन ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू फुल इमेज ठीक है यहां तक क्लियर है हेलो इस चीज को हम स्टडी करेंगे अब देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ठीक है हमने क्या किया हमने मान लिया कि हम ड्रेसिंग टेबल के मिरर के बारे में बात कर रहे हैं अभी ठीक है और हमने इतना बड़ा एक मिरर ले लिया ठीक है अब क्या है कि ये जो मिरर हमने लिया इसके कुछ ना कुछ लेंथ है ठीक है और इस मिरर के सामने एक सुंदर सा बालक खड़ा कर देते हैं यहां पे
कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस लेते हैं वो ले लिया d, सेम डिस्टेंस d पे हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हेलो। यस सर। यस सर। अब देखो क्या होता है, समझिए स्क्रीन पे देखिए कि जैसे कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और अगर मिरर है तो आप इमेज को देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की एक इमेज जो बनके आपके आंखों में आ रही है उसे आप देख पा रहे हैं। तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट में से रेज निकलती हैं जो कि मिरर पे रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में आती है, ठीक। अब हम यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल की बात कर रहे हैं, उसके मिरर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमें कंप्लीट व्यू चाहिए हमारी बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी आईज है वो आपके टॉप से थोड़ी सी नीचे होती है, ये चीज क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, अभी हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक विचित्र बालक है और उसके आंखें यहां पर होने की जगह टॉप पर है। कहां पर है? टॉप पर है। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हम ये मान के चल रहे हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए, राइट? क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। ओके, अब देखिए, अब हमें देखनी है कंप्लीट इमेज ऑफ अ बॉडी, तो हम क्या करते हैं भाई, देखो हम लोग ये करेंगे कि हमारा यहां से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि आपके पैरों के पास से कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब निकलेगी, ठीक है। और ये हमें इमेज मिलेगी। सिमिलरली ये हमें पैर देखने हैं, आप क्या समझ रहे हो, हमें क्या देखना है? पैर। ये हमारे पैर है, मान लो दीज आर योर लेग, ठीक है। और ये जो है टॉप, तो यहां पर हमने क्या किया है, आई लेवल यहां पे रखा है एट टॉप, इस जगह पे आंखों को टॉप पे रखा है। तो एक चीज क्लियर है कि भाई अगर आपको अपने पैर इमेज की फॉर्म में देखने हैं मिरर में, तो यहां से रे टकराएगी रिफ्लेक्ट होके और आपकी आंखों में जाएगी। और आंखें हमने कहां ली है बेटा, आंखें हमने कहां कंसीडर की हैं, टॉप पर, यस और नो? तो ये रे टकराकर कुछ इस तरीके से आंखों पर जाएगी, टॉप पे जाएगी, मतलब समझ में आ रही है बात? हेलो। यस सर। ये टॉप पे चले गए, ठीक है, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ओके, अब ये जो टॉप व्यू है यहां पर, जहां पर हमने आई माना है, तो आपको अपना टॉप व्यू भी देखना है भाई, आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बॉडी देखनी है।
तो लेग्स मतलब बॉटम व्यू से हमने स्टार्ट किया, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके इमेज बनी हमारे आंखों में की। और आंखें हमने कहां ली है, आंखें हमने कहां कंसीडर की है, टॉप पे। कहां पे? टॉप पर। अच्छा, अब आपको अपना टॉप व्यू देखना है, मतलब टॉप व्यू देखने के लिए मतलब आपको अपना हेड देखना है, तो यहां से एक रिफ्लेक्ट एक रे निकलेगी, यहां से एक रे निकलेगी कुछ इस तरीके से, राइट? ये रे निकलेगी कुछ इस तरीके से। हेलो, ठीक है। और ये रे टकरा कर वापिस आएगी, यस और नो? तो यहां पर आपको टॉप व्यू भी दिखाई दे जाएगा। तो ये लेग्स देखने के लिए हमारे लिए ये पॉइंट आया, और टॉप व्यू देखने के लिए हमारे पास में मिरर का ये पॉइंट काम आया, राइट? क्लियर हो रही है चीजें? समझना ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर मान लीजिए किसी को अपने नीज देखनी है, तो नीज यहां पर कहीं है, अगर नीज देखनी है बेटा और इसकी हाइट हमने कंसिडर किया है h, ये कितनी हाइट का ऑब्जर्वर लिया है हमने, एक बालक है जिसकी हाइट हमने h ली हुई है, ठीक है? तो ये जो h हाइट का जो बालक है, यहां पर हमने देखा कि अगर उसे नीज अपनी देखनी है तो नीज से एक रे निकलेगी कुछ इस तरीके से, और वो कहां जाएगी? वो जाएगी सीधी आंखों में कुछ इस तरीके से। बोलो, आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ, अगर उसे अपने हाथ पैर देखने हैं तो वो यहां से रे निकलेगी, राइट? रिफ्लेक्ट होगी और वापिस आएगी। इसका मतलब बेटा लेग्स से लेके टॉप व्यू तक देखने के लिए हमने मिरर का कौन सा हिस्सा यूज किया, हमने मिरर का कौन सा हिस्सा यूज किया? सिर्फ ये वाला पार्ट यूज किया हमने मिरर देखने के लिए, यस और नो? क्या इतना ही पार्ट हमारा मिरर के, हमारी पूरी बॉडी को देखने के लिए जो काम का पार्ट है मिरर का, वो कितना है? इतना ही है, यस और नो? भाई इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो कोई काम का है क्या? क्या आपको लेग्स दिखाने का काम कर रहा है ये पार्ट? ना नीचे वाला पार्ट किसी काम का है, ना ये ऊपर वाला पार्ट कोई काम का है, यस और नो? हमारे लिए कौन सा पार्ट जो है जिससे हमें हमारी इमेज दिखेगी, तो वो पार्ट है ये लेग से लेके टॉप व्यू तक, टॉप पॉइंट तक का। मतलब कि सिर्फ इतना पार्ट जो है मिरर का, ये पार्ट, पार्ट ऑफ मिरर इज यूजफुल, इतना ही पार्ट हमारे लिए काम का है। बोलो, आई बात समझ में? Yes or no? तो आंसर निकल ही गया ना। हाँ, तो आंसर तो निकल ही गया ना। ठीक है, H by 2। देखो, इसका मतलब कि इसका आधा पार्ट ये H by 2, और ये H by 2। इसका मतलब जितनी हाइट है उससे आधा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मिरर कितनी आ गई बेटा? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ अ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर हमने हमारे हमें जिसे देखना है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, मतलब जैसे यहाँ पे h हाइट का ऑब्जर्वर है, अगर वो अपने आप को पूरा देखना चाहता है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिरर कितने लेंथ की होनी चाहिए? h by 2। कितना होना चाहिए?
इसका मतलब अगर 6 feet हाइट है किसी की तो उसको कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है मिरर का, कितनी हाइट का रिक्वायरमेंट है मिरर का? 3 feet का कम से कम उसे मिरर चाहिए। और कितनी हाइट पे रखा हुआ होना चाहिए? तो h by 2, मतलब 6 feet है तो कितनी हो जानी चाहिए? 3 होना चाहिए। लेकिन कब? जब आई हमने टॉप पर ली है तब। कब के लिए? जब आप आइस को टॉप पर लेते हो तब। ये बेटा केस मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, बेसिक समझाने के लिए कि हमें कितना पार्ट मिरर का काम में आने वाला है और कितना बेकार होने वाला है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरी स्टोरी बताई है। ठीक है, एक्चुअल में आईज आर नेवर गोइंग टू बी ऑन टॉप, बट हमने इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल बनाया। बोलो, यहां तक क्लियर है सर? हाँ, आईज अगर टॉप पे, मतलब अभी हमारी रियलिटी में जैसे है, हाँ, और ऊपर का जो पार्ट है, हाँ, तो उसका भी तो सेम इमेज ऐसे फॉर्मेशन रहेगा ना, लाइट रहेगा तो भी हाफ ही रहेगा ना। लेकिन हाइट जो हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, मतलब जैसे कि हम ये कहें कि जो इमेज है सर, ऐसे नहीं नहीं, मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है, वो मैं समझ गया तू जो कहना चाह रहा है, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो लेंथ ऑफ द मिरर है ना, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, लेंथ ऑफ द मिरर चेंज नहीं होगा, आपकी आंखें नीचे आ जाएंगी उसकी वजह से लेंथ ऑफ द मिरर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो हमेशा हाफ ही रहेंगी। लेकिन जो हाइट पे आप रखोगे वो हाइट चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगा? हाइट चेंज हो जाएगी। उसके लिए आपको मैं एक न्यूमेरिकल करके बता देता हूं, तो आपको उसके लिए भी क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, हम लोग उसका एक न्यूमेरिकल रियल लाइफ एग्जांपल लेके देख लेते हैं, तो वो जो है उसकी क्लैरिटी आपको तुरंत ही आ जाएगी, है ना? देखो, यहाँ पे हमने एक मिरर ले लिया है लाइक दिस, और ये है रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस, और इसके आगे हमने एक आदमी खड़ा कर दिया है, जिसकी हाइट है 2 meters, ये 2 meter हाइट है, ठीक है, और ये जो आईज, ये है 20 centimeters डाउन, मतलब ये जो टॉप है इस टॉप व्यू से, मतलब टॉप पॉइंट से 20 centimeters नीचे इसकी आंखें हैं, मतलब आईज है यहाँ पर 20 centimeters नीचे, ठीक है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना रहा? 180 centimeters अगर अंधा हो तो, ठीक है, क्या हुआ? अंधा हो तो, अंधा हो तो इमेज नहीं दिखेगी यार, सीधी सी बात है, आंखें तो होगी ना पर, हाँ आंखें तो होंगी। यहां से x डिस्टेंस पे हमने लिया है और यहां से x डिस्टेंस पे हमें इमेज मिल जाएगी इस ऑब्जेक्ट की,
ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हमको यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सबसे पहले बॉटम पार्ट मतलब कि लेग्स देखने हैं। लेग्स देखने के लिए क्या करना होगा कि भाई लेग की जो लेग से एक रेज निकलेगी वो रे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके उसकी इमेज बनेगी और वो इमेज कहां जानी चाहिए, आंखों में जानी चाहिए, यस और नो। तो यहां से एक रे निकली कुछ इस तरीके से, राइट, और वो रिफ्लेक्ट होके यहां पर उसकी आईज में गई लाइक दिस। बात आ रही है समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है, अब उसको अपना टॉप व्यू, ये तो क्लियर हो गया पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अब उसको अपना टॉप व्यू देखना है, तो टॉप व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम कंडीशन टॉप व्यू के लिए भी, कि यहां से इस टॉप पॉइंट से रे निकलेगी, टकराएगी और टकराने के बाद कहां जाएगी, उसकी आंखों में, कहां जाएगी उसकी आंखों में। तो ये कुछ इस तरीके से आंखों में जाएगी, बोलो क्लियर है, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? यस भाई, ये टॉप पॉइंट है बेटा, ये टॉप पॉइंट है, यहां मतलब ये आपका हेड है, यहां ये हेड आपको कब दिखाई देगा, जब हेड से रे निकलेगी और ये रे निकल कर टकरा कर और आपकी आंखों में आएगी, तभी तो आपको ये इमेज दिखाई देगी, यस और नो? क्योंकि आंखों से ही तो आप इमेज देखोगे, किससे देखोगे नहीं तो, यस और नो? सर एक डाउट था। हाँ एक डाउट था, रुक जा पहले, डाउट पैरों की, हाँ रुक जा रुक जा, पैरों की रे सर पे कैसे लग रही, पैरों की रे सर पे कैसे लग रही है, आंख में नहीं जाएगी? तो आंख में ही तो जा रही है ना, ये रहा ना 20 मीटर पे, एक मिनट ना, मैंने ऊपर ले लिया है कि थोड़ा सा, हाँ हाँ सर, इसलिए कंफ्यूज हो रहा, मुझे लगा वो रही उधर से कहाँ वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। जस्ट अ मिनट, ये रही आईज यहां पे जाएगी लाइक दिस, ठीक है, अब क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे आप देखो ये कितना 180 सेंटीमीटर है, कितना है 180 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा 90, और ये भी कितना हो गया 90, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो था ये 20 था। अब यहां पर देखो ये थीटा थीटा, अगेन यहां पर भी सिमिलरली वही दो पार्ट में डिवाइड होगा यहां पर भी, ठीक है, तो ये जो पार्ट है इतना सा ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द मिरर 100 सेंटीमीटर आ गया, एंड कितनी हाइट पे रखना है वो 90 सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ द मिरर इज, लेंथ ऑफ मिरर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, और कितनी हाइट पे रखना है 90 सेंटीमीटर, बोलो। ये दोनों चीजें क्लियर हैं? हेलो, तो यहां पर आपने देखा कि 2 मीटर हाइट थी, कितनी हाइट थी 2 मीटर, तो लेंथ ऑफ द मिरर कितनी आई 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 200 सेंटीमीटर का हाफ ही तो हुआ, क्या 200 सेंटीमीटर का कितना हो गया 100 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पर एच बाई टू ही फॉलो हुआ है, मतलब कि लेंथ ऑफ द मिरर इज गोइंग टू बी ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइट। लेकिन हाइट, जिस हाइट पे आपको मिरर को प्लेस करना है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो 90 सेंटीमीटर है यहाँ पर, वो वेरी कर रही है। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारे लिए जो काम का पार्ट है, हमारे लिए जो काम का पार्ट है वो कितना है, इतना ही तो हमारे लिए काम का है, राइट। बाकी का हिस्सा हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ना ये ऊपर वाला कुछ काम का है, ना ये नीचे वाला कुछ काम का है। बोलो, आई बात समझ में? हेलो, ये काम का नहीं है और ये भी काम का नहीं है। बोलो, आई बात समझ में? यस, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सर, ये जो हेड वाला पार्ट है तो वो भी एच बाय टू से 10 सेंटीमीटर हुआ ना? कौन सा? ये हेड से जो रेज आ रही है आइस तक, उसमें भी एच बाय टू वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया ना 10 करने के लिए? हाँ, वो आधा हो जाएगा ना। ठीक है, बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? भाई किसी को कोई डाउट है?